आज की दुनिया में मनुष्य अपने भोग विलास अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतना व्यस्त हो गया है कि वो अकेला हो गया। अगर ये देखो तो वो परेशान रहता है। जिन चीजों के पीछे वो अपना हर समय लगा रहा है उससे उसके मन की कुछ चीजें मिल तो जाती हैं, मगर मन को पूर्ण रूप से शांति नहीं पाता, चैन से नहीं रह पाता, कले कलेश में रहता है, दुखी रहता है। अगर वो अपने इन चीजों के पीछे भाग दौड़ ना करके अपने इष्ट देवता भगवान या गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को लगा ले और फिर उसको प्राप्त करने के लिए उसको दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उन सब चीजों की जो उसकी जरूरत की चीजें उसको चाहिए वो खुद ही अपने तरीके से उसको प्राप्त करवा देंगे और मन को भी शांति उसके मिलती रहे। अगर देखो आज मोबाइल हाथ में आ गया, कैमरे खत्म हो गए, सामने से कोई फोटो खींचने वाला नहीं है, अपनी खुद फोटो सेल्फी में खींच रहा है, अकेला रह गया। पहले स्टूडियो में जाते थे, फोटो खिंचवाते थे, या जिनके पास कैमरा होता था वो फोटो खींचते थे, पता लगता था कि हमारा क्या रूप है, मगर अब अपने आप में मस्त रहता है। नहीं, अपने आप में मस्त नहीं रहना है, अपने प्रभु के चरणों में मस्त रहकर खुश होना है, सुखी रहना है, और जहाँ तक हो सके जो कुछ अपने पास है वो अगर कोई देखते हैं कोई दुखी है तो उसको खुले दिल से उसकी मदद करें, उसको दें, तो भगवान आपको और देगा और आपको भी खुश रखे, क्योंकि उसकी जिसको आपने दिया है वो आपके लिए अच्छी शुभकामनाएं रखेगा और वो शुभकामनाएं ही आपको जीवन में तरक्की देती हैं। ये छोटी सी टिप्स जिंदगी में अनमोल है। अगर हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो शीघ्र अति शीघ्र आप तक पहुंचे। धन्यवाद।